हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज मैं जो ये रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ, आप इसको घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आज का जो ये रेसिपी है दोस्तों, आप इसको होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी के मैरिज फंक्शन में ज़रूर खाए होंगे। आज ये रेसिपी को मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ अपने एक नए स्टाइल में। तो फिर चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बैगन। हमने यहाँ पे 3 बैगन लिया है और इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अभी हम एक चक्कू लेंगे और चक्कू की मदद से बैगन को हम पहले बीच से 2 टुकड़ा करेंगे और बीच से इसको 2 टुकड़ा करने के बाद इसका एक टुकड़ा को नीचे रख देंगे और इसका जो पहले वाला टुकड़ा था उसको भी हम 2 टुकड़ा करेंगे। मतलब एक बैगन को हम टोटल 4 टुकड़ा करेंगे और एक एक करके हम तीनों बैगन को छोटा छोटा करके काट लेंगे। ये देखिए, हमने तीनों बैगन को छोटा छोटा करके काट लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हम एक बॉल में लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लो यानी कि अरारोट पाउडर, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मैदा और मैदा को डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इसको देने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। सारे सूखा मसाले डालने के बाद लास्ट में इसमें दही डालना ना भूलें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हाथों से मिलाएंगे। आप इसमें एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालें। ये देखिए, इसी तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल बना के रेडी करेंगे। अब जब भी ये घोल को बनाएं, इसको ज़्यादा मोटा ना करें, ज़्यादा पतला ना करें। ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह होने चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अभी हम इसका ऊपर जो हमारा कटा हुआ बैगन था उसको हम डाल देंगे और इसको चारों तरफ ये हमारा घोल को अच्छी तरह से लगा के एक अच्छा सा कोट तैयार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमें बैगन के चारों तरफ इसका एक अच्छा सा कोट करना है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। अभी हम एक एक करके हमारा बैगन को इसमें डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। हम फर्स्ट बैच में इसमें 3 बैगन को डाले हैं। अब जब भी इसको फ्राई करें, गैस को मीडियम फ्लो पर रख के ही फ्राई करें और इसमें चम्मच को चलाते रहें ताकि नीचे ना चिपके। इसको 5 मिनट फ्राई करने के बाद ये पूरी तरह से बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए, अभी बन के रेडी है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है। अभी हम हमारा दूसरा बैच को भी रेडी कर लेंगे। अरे, हमने डाल दिया हमारा दूसरा बैच। और दोस्तों, इसी तरह हमें एक एक करके सारा बैगन को फ्राई कर लेना है और ये हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। आप इसको एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा बैगन फ्राई बन के रेडी हो गया है। आप सबको ये आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।